नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस समझाने की कोशिश करने के लिए बनाया जाता है। यदि आपको इसमें दी गई कंटेंट और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ वो आपको मिल सके। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी की। जैसे कि कल एचसीएल जो कि आईटी सेक्टर में आता है, उसने गिरावट दर्ज की थी। आज हल्की सी उसमें खरीदारी आई है, लेकिन इसमें लगातार गिरावट जारी है। इसने 3 दिन पहले इस लेवल को तोड़ा, ये जो सपोर्ट बना के आ रहे थे इस सपोर्ट को तोड़ा इसने और नीचे क्लोज करा, फिर ऊपर गया, रिटेस्ट करा और फाइनली कल ओपन हुआ था। यहाँ पर इसने यहाँ क्लोज दी और उस बियरिश ने इसको वापस आगे कंटिन्यू कर रहा है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक मकसद ये भी है दोस्तों, कि जो डेथ क्रॉसओवर होता है या फिर जो एक इम्पोर्टेंट ईएमए होते हैं, जैसे कि 50 डे हुआ, 100 डे हुआ, 200 डे हुआ, ये तीनों को आज तोड़ के नीचे जा चुका है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिए, आप 1041 का 200 ईएमए है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और आज इसने क्लोजिंग दी है 1040 पर, यानी कि 50, 100 और 200 तीनों मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे जा चुका है। और जब तक ये इस सपोर्ट के ऊपर आके काम ना करने लग जाए या इस 200 के ऊपर काम करने ना लग जाए, तब तक हम इस बाई के लिए नहीं सोच सकते। कल हो सकता है दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का भी काम कर जाए इसके लिए, क्योंकि 200 ईएमए बहुत मेजरली इंडिकेट किया जाता है, और जो बड़े लोग होते हैं या जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ से प्राइस एक्शन के लिए इसको उठा लें। तो उस केस में हमारी जो नियर टर्म टारगेट रहेगा वो 1060 के आसपास रहेगा। हो सकता है ये कल यहाँ से रिट्रेस्ट कर ले वापस इस लेवल के लिए। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में दिए जा रहे कंटेंट से कुछ समझ में आता है, यदि आप इससे कुछ सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।